नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। एकता समाचार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सागवाडा विधानसभा से उम्मीदवार शंकरलाल डेचा ने खड़गदा क्षेत्र पालाजी में कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन किया। फिर सागवाडा भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शंकरलाल डेचा ने कहा कि पार्टी ने विश्वास देकर उन्हें टिकट दिया है और मैं विश्वास दिलाता हूं पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाऊंगा। इस अवसर पर बद्री नारायण शर्मा, जयंती लाल कटारा, जयप्रकाश पारगी, ईश्वरलाल सरपोटा, कांति लाल डामोर, कुप्पी कोठी, जवाहरलाल भाटिया, अनीता पंड्या, शेख राजू भाई बर्तनवाला, अनिल पुरोहित, मगन पाटीदार उपस्थित थे। जीवनलाल पाटीदार ने संबोधित किया एवं संचालन हेमंतदा पाठक ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने शंकरलाल डेचा का माला पहनाकर स्वागत किया। आज हमारे सागवाड़ा विधानसभा से शंकरलाल जी डेचा को टिकट मिलने पर हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जो नजर आ रहा है वो हमारे क्षेत्रपाल जी मंदिर और क्षेत्रपाल जी परिसर के अंदर देखने को मिला, जो बड़ी खुशी की बात है कि शंकरलाल को टिकट मिला के उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ता भाई चिराग भाई, चंदन सिंह जी ये बताएंगे। चंदन सिंह जी, आपको कैसा लगा जब आपके क्षेत्र के शंकरलाल जी को टिकट मिली? तो बहुत मजा आ गया, युवाओं में भारी जोश है और 25 से 30 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सीट सागवाड़ा से जीतेगी, इतना हम विश्वास दिलाते हैं। ये मेरे सामने है हमारे युवा मोर्चा के ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष शंकरलाल जी का नाम पिछले 5 वर्षों पहले भी विधानसभा के पैनल में चल रहा था और उनको किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिला तो हमारे क्षेत्र में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन इस बार संगठन ने पूरा ध्यान में रखते हुए सब लोगों के हित में सोचा है, संगठन के हित में सोचा है, तो हम संगठन का नाम नीचे नहीं झुकने देंगे। ये हमारे क्षेत्रपाल जी के अंदर हमारे विधायक शंकरलाल जी डेचा को एक तस्वीर भेंट करते हुए, क्षेत्रपाल जी की तस्वीर ये मेरे सामने है। हाँ जी बताइए। सुरेश जी भूता, जवाहर भाई जोशी, गणेशलाल जी भट्ट, जवाहर जी बताइए। सुनो, पार्टी ने टिकट दिया अनिता जी को और जिताया बड़े भारी मतों से, और अनिता जी ने हमारी उपेक्षा की, पुराने कार्यकर्ताओं के घर पे बैठा दिया और 8 महीने बाद आज मैं वापस शंकरलाल जी के साथ आया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शंकर जी जैसा हो, भारी मतों से 20,000 वोटों से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है उसको हम ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, बहुत आगे तक जाएंगे। हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अनिल भाई पुरोहित, अनिल भाई बताइए आपके क्षेत्र और आपके ग्रामीण मंडल से हमारे विधायक जो चुने गए मैडम ने, उसके बारे में आप क्या कहते हो? बहुत सुंदर हैं, मिलनसार हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, लंबे समय की इनकी मांग थी, जो अधिकार अब उनको मिला है ना, हम सब मिलकर उनकी नैया पार करेंगे, भारी बहुमत से यहाँ से जिताएंगे, यही हमारी अपेक्षा रहेगी। ये हमारे 5 दावेदार जो सागवाड़ा क्षेत्र के थे, उन 5 दावेदार के अंदर हमारे जयप्रकाश पारगी साहब। जयप्रकाश जी, आपको टिकट नहीं मिला मगर आपके पांचों में आपने एक वादा किया था कि हमारे पांचों में मिलेगा और तन मन धन से हम सहयोग करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या महसूस हो रहा है जरा बताइए। हमको बहुत खुशी हुई और तन मन धन से शंकर जी को हम जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक सीट हम जयपुर देंगे। हमारे खड़गदा मीटिंग ये हमारे ग्रामीण वासियों की तरफ से क्षेत्रपाल जी की तस्वीर। बोलना मत। सागवाड़ा विधानसभा के उम्मीदवार श्री शंकरलाल जी डेचा को क्षेत्रपाल जी की प्रतिमा भेंट करते हुए हमारे कर्मठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता। फोटो भी किसी ने जो पता था, वीडियो भी दो, एक फोटो दे सकते हैं। एक मिनट, फोटो ये हमारा हमारे घोटाट पंचायत के सभी कर्मठ कार्यकर्ता
प्रकाश जी सरपंच साहब के नेतृत्व में भावी विधायक और वर्तमान शंकरलाल जी डेचा के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं सभी कार्यकर्ता। जगह जगह हुआ स्वागत। ओ सेठ, ओ भाई जी, बताइए आपके ससुर जी को टिकट मिली तो रात को 12 बजे जब ये घोषणा हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा हुआ, मेरे जनता पूरे साथ में है और उनके सबके सहयोग से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और हमारे कार्यकर्ता संगठन सभी की आशीर्वाद से, आप जैसे कि राजू भाई बर्तन वाले हमारे पत्रकार महोदय, हमारे प्रदीप भाई खड़गा से पधारे हुए, हमारे भाई साहब जवाहर जी और सभी कार्यकर्ता एवं आप सबको खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद। जोश और उत्साह से तैयार और टिकट को संगठन को गौण कर दिया। आप बताओ, संगठन को गौण कर दिया और जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको किनारे पे लगा दिया और नए नए लड़कों को जिनका कोई आधार नहीं था, कोई दावा नहीं बनता था, ऐसे लोगों को साथ में रख के सारा विधानसभा क्षेत्र का नुकसान कर दिया है। बोलो आप। चलो वो सब चीजें भूल जानी है अब नए सिरे से। भूल जाएंगे अब नए सिरे से संजय लाल जी को हमने तय किया था कि जो कमल का फूल लेके आएगा उसके साथ रहेंगे और हम साथ में हैं। भगवान की जय। जल्दी आओ। भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब बधाई हो आपको। आपने धन्यवाद आपको बधाई। सुरेश जी भट्ट साहब, सुरेशजी भट्ट कोटा, ये भी चिंतित होता आप बड़े किशोर भाई। शंकरलाल जी को टिकट मिल गई। ये रे भारतीय जनता पार्टी। चप्पा चप्पा। ये है हमारे शंकरलाल जी डेचा सागवाड़ा विधानसभा से, जिनको उम्मीदवार घोषित किया है। हाँ, सागवाड़ा विधानसभा से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं उम्मीदवार मुझे बनाया है। मैं सागवाड़ा की समस्त जनता का आभारी हूँ और ये जो मुझे उम्मीदवार बनाया वो मुझे नहीं करके सागवाड़ा जनता की मांग है और इसीलिए मैं सब समाज को साथ में लेकर के चलूँगा, सागवाड़ा का विकास को आगे बढ़ाऊँगा और सब समाज और भारतीय जनता पार्टी के सागवाड़ा से लेकर के
डूंगरपुर, डूंगरपुर से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुझे उम्मीदवार घोषित किया, मुझ पर विश्वास किया है, मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा। इतना कहते हुए पुनः और जनता की सेवा करूंगा, पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन नामांकन बनने की कौन सी तारीख है जरा जनता को बताइए? नामांकन भरने की तारीख घोषित नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी सभी मंडल। जब आपका आपका पैनल पे नाम आया, जब आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ, मेरे जैसों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए, ये मोदी जी की देन है, शाह साहब की देन है, भारतीय जनता पार्टी। फोटो सबका लेना, शंकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, बधाई हो, संगठन की जीत है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जिले के दलीचंद जी, सीसीटीवी के चेयरमैन श्रद्धेय बद्रीनारायण जी शर्मा साहब, जिले के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय जीवनलाल जी पाटीदार साहब, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी भट्ट साहब, हमारे ग्रामीण मंडल सागवाड़ा के अध्यक्ष श्रद्धेय हेमंत दादा पाठक साहब, आदरणीय गणेश लाल जी, विक्रम सिंह जी और ओबीसी मोर्चे के जिला महामंत्री भाई ताजंग भाई पाटीदार साहब, आदरणीय आप इस तोहफे को ऐसा संभालो, कोई ये छोटा खेल नहीं है। मैं तो आपको खूब खूब जय श्री राम करना चाहता हूँ, ये तो बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जो ये मेरे साथी जैसे बुजुर्गों का, उनका बहुत बहुत मैं खूब खूब सम्मानित करता हूँ, इन बुजुर्गों के क्षणों को मैं धूल के आधार पर रह करके मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे वीरों की जरूरत है और ऐसे वीरों की जरूरत ये सागवाड़ा अपनी विधानसभा में भारी से भारी मतों से जिताने का काम अपना सबका है। ये शंकरलाल जी तो एक मध्यम है, कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता है, अपने अंदर से खड़ा करते ऐसा कार्यकर्ता है। तोहफा तो आप हो, आप कार्यकर्ता वही तोहफा हो, आप ही सब कुछ हो। ये बुजुर्ग है, ये मेरे सभी पुराने साथी कार्यकर्ता, ये सब इतने साल तक, पांच साल तक पता नहीं था, क्या मालूम कहां से कहां हो गए। साथियों ये तो एक जंग है, इतना भारी जंग है, ये सागवाड़ा विधानसभा अपन को अच्छी तरह से मेहनत करके जितानी है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अर्जुन को तीर का। प्रदेश नेतृत्व ने जो शंकर जी डेचा को टिकट दी है, उसके लिए हम सभी तन मन धन से सहयोग करते हुए बूथ स्तर से जाते हुए अपना कार्य करेंगे और उनको भारी बहुमतों से विजय प्राप्त कराएंगे। अब अंत में मैं भाई श्री जयप्रकाश जी मार्गी को भी आमंत्रित करता और उन्हीं को ही कहता हूँ कि अंत में आभार प्रदर्शन भी आपका वही करें, क्योंकि ये जयप्रकाश मार्गी जी हमारे एबीवीपी के जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता हैं और युवा मोर्चा के ऊर्जावान प्रतिनिधि हैं भाई जयप्रकाश जी पार्गी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी
जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम्मानित मंच एवं हमारे सामने बैठे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमें बहुत बड़ा तोहफा मिला है, इसके लिए हम पांच जने एक हुए कि हम पांचों में से किसी को भी मिले, लेकिन टिकट चेंज होना चाहिए। और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनको सम्मान मिलना चाहिए।